पंधाना का, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान आज क्रांति सूर्य कलश यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। रही है कि वे सभी कार्यक्रमों की शुरुआत कन्या पूजन से करते हैं, बेटियों को नमन करते हैं और इसी परंपरा से हम सभी को अपनी बेटियों के प्रति, छोटी छोटी कन्याओं के प्रति असीम भावना का जुड़ाव महसूस होता है। उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा, हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। सोच समझ कर अपना निर्णय लेना है तुमको, पंख मिले। कन्या पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, हेलो, वो दो ही तरफ जो खाली सीटें हैं पीछे जो माँ बहनें बैठी हैं उनको आगे आने दो। ये जो खाली सीटें बीच में हैं सोफे, वो पीछे वाली जो बैठी है हमारी माँ बहनें उनको आगे आने दीजिए। अब उधर कोई नहीं आएगा बैठने, आगे बढ़िया आने दीजिए। उस साइड भी वीर जी, सरदार जी, पूजन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, अरे सरदार जी प्रज्वलन की ओर बढ़ रहे हैं। सरदार जी वो हमारी माँ बहनों को आगे आने दीजिए, प्रज्वलित कर आगे बैठे दीजिए। वीर जी कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। वो खाली सीटें भर जाने दीजिए, आने दीजिए वहाँ पे, आगे आगे भिजवा दीजिए। खाली सीटें पड़ी है वहाँ, आने दीजिए उनको। जितनी खाली सीटें भरी हैं उनको, जो खाली सीटें पड़ी हैं उनको भरदान दीजिए, पीछे की माँ बहनें बैठ जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ में है माननीय मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, खंडवा पंधाना, जननायक ठंठिया भील की जन्मस्थली बड़ौदा अहीर की इस पुण्य धरा पर इस शुभ कार्य का दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ। देवी सज्जनों, अब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी मंच की ओर पधार रहे हैं। कृपया तालियां बजाकर जोरदार स्वागत कीजिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ में पधारे सभी महानुभावों का, विभूतियों का। आदरणीय देवी सज्जनों, आज बहुत ही खुशी की बात है कि इस शुभ दिवस पर जहाँ की मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में निवासरत जनजातियों के स्वाधीनता संग्राम आंदोलन से संबद्ध जननायकों का स्मरण करने, राष्ट्र निर्माण में ऐसे जन योद्धाओं की भूमिका के प्रति आदर प्रकट करने, सामाजिक समरसता के वातावरण का निर्माण करने के लिए पुण्य स्मरण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में एवं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के सहयोग से मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग द्वारा क्रांति सूर्य जननायक, भारतीय इतिहास में प्रथम स्वाधीनता संग्राम तंत्या भील के जन्म स्थान बड़ौदा अहीर पंधाना खंडवा से भील जनजातीय बहुल क्षेत्र में आज गौरव कलश रथ यात्रा प्रारंभ की जा रही है, जो 4 दिसंबर 2021 को इंदौर के पाताल पानी तक जाकर समाप्त होगी। और इंडियन रॉबिन हुड टंटिया भील की याद में उनकी जन्मस्थली बड़ौदा अहीर की इस पुण्य धरा पर आज हमारे बीच इस समारोह के मुख्य अतिथि, विराट व्यक्तित्व और अपने कुशल नेतृत्व के धनी मध्य प्रदेश के सियासी मुखिया, हमारे अत्यंत लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच मौजूद हैं, मंच पर आसीन हैं। हम सभी उनकी गरिमामय उपस्थिति पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ में है मंच पर हमारे बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, माननीय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णु शर्मा जी, उनके साथ हमारे बीच मौजूद है माननीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, वन मंत्री मध्य प्रदेश शासन, राज्य मंत्री माननीय श्री विभाष उपाध्याय, उपाध्यक्ष जन अभियान परिषद मध्य प्रदेश शासन, माननीय सांसद खंडवा श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी, माननीय विधायक पंधाना श्री राम दांगोरे जी, माननीय विधायक मानधाता श्री नारायण पटेल जी व अन्य महानुभाव। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं मंचासीन सभी विभूतियों का, महानुभावों का, हम सभी पधारे सम्मान्य देवियों व सज्जनों का पंधाना की इस भूमि पर हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ में पधारे सभी मीडिया बंधुओं का, पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं सर्वप्रथम अब स्वागत क्रम की ओर बढ़ती हूँ।
आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए माननीय विधायक पंधाना श्री राम दांगोरे जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। देखिए, ये कार्यक्रम हमारे जननायक क्रांति सूर्य टंट्या भील जी के बलिदान का कार्यक्रम है और इसलिए इसमें स्वागत का कार्यक्रम नहीं होगा। हम तो माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करके आए हैं क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील जी को, और इसलिए यहाँ नेताओं के स्वागत की जरूरत नहीं है और इसलिए स्वागत का कार्यक्रम तो नहीं होगा, बाकी आगे कार्यक्रम बढ़ाएंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उन्हें ये बताना चाहते हैं कि टंट्या मामा के वंशज सोनीबाई जयसिंह जी, श्री हेमराज सिरसाठे जी और श्री वासुदेव सिरसाठे मंच पर हमारे बीच उपस्थित हैं। स्वागत आज हम करेंगे टंट्या मामा के परिजन परिवार के लोग वंशज यहाँ उपस्थित है और इसलिए मैं और प्रदेश अध्यक्ष जी विजय शाह जी, हम सब लोग, राम जी और सांसद जी, सब विधायकगण, परिवार के जो उनके वंशज है टंट्या मामा के, उनका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वंशज टंट्या मामा भील सबसे पहले श्री हेमराज सिरसाठे और श्री वासुदेव सिरसाठे का स्वागत यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। कृपया जोरदार तालियों से आप यहाँ पर सबका अभिवादन करें, स्वागत के वक्त उनका अभिवादन तालियों से जरूर जरूर करें। साथ में है सोनीबाई जयसिंह जी, ये भी टंट्या मामा के वंशज हैं, हेमराज सिरसाठे जी, वासुदेव सिरसाठे, सभी का यहाँ पर स्वागत हो रहा है। आप सभी से निवेदन है हमारे जननायक टंट्या मामा भील के वंशजों का स्वागत, आपकी तालियां गुंजायमान होना चाहिए यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को। और अब हम हमारे कार्यक्रम का क्रम उद्बोधन की ओर बढ़ता है। सर्वप्रथम मैं माननीय विधायक श्री राम दांगोरे जी, युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री, प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक पंधाना, आपसे निवेदन करूंगी कि कृपया स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। बोलो भारत माता की, वंदे वंदे टंट्या मामा की, टंट्या मामा की, महाराणा प्रताप की। आज टंट्या मामा का बलिदान दिवस का अवसर पर हमारा राज्य का मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज मामा जी, प्रदेश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बीडी भाई साहब जी,
हमारा राज्य का आदिवासी नेता वन मंत्री आदरणीय कुंवर विजय शाह जी, हमारा सांसद आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी, आदरणीय देवेंद्र वर्मा जी, आदरणीय नारायण पटेल जी, राजेश तिवारी जी, आदरणीय सेवादास पटेल जी, आदरणीय गंगा काकी, आदरणीय अरुण सिंह मुन्ना जी, सूरजपाल दादा, आदरणीय भावना भाभी जी, आदरणीय सचिन भैया,